In question number 42, it is a differential equation and it is given that the curve passes through the point 1, 3, and it has been always given, it is also given x is greater than 0. तो सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा. देखने में ये थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है, बट ये फैक्टराइज हो जाएगा. इसके फैक्टर्स हम बना सकते हैं. अगर हम ये तीन टर्म पकड़ लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको अपन लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर. इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास दो टर्म और बचे हैं, एक तो एक्स वाई और दूसरा 2y. इन दोनों से हम लोग y बाहर कॉमन ले सकते हैं और ये बच जाएगा x प्लस 2 dy अपॉन dx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. अब यहां पे ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, x प्लस 2 इक्वल टू कैपिटल x एंड स्मॉल y एज कैपिटल y. फ्रॉम हियर वी कैन सी dy अपॉन dx इज d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x. नाउ दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल x स्क्वायर प्लस कैपिटल xy dy equals y square dx. अब हम लोग इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल में बदल सकते हैं. एग्जैक्ट डिफरेंशियल में बदलने के लिए हमें एक्स वाई डी वाई को राइट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा. तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स, यहां से हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस, इधर से आ जाएगा एक्स वाई डी वाई. सो दिस विल बिकम वाई, अगर कॉमन ले लें तो दिस विल बिकम वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई. अब हम लोग एक्स स्क्वायर से इधर डिवाइड कर रहे हैं, वाई से इधर डिवाइड कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल, दिस इज डी वाई अपॉन वाई और एक माइनस साइन उधर से निकाल लेंगे तो दिस इज माइनस डी वाई अपॉन वाई एंड ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट डिफरेंशियल ऑफ वाई अपॉन एक्स. अब हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, दिस इज माइनस ऑफ एल एन मॉड वाई इक्वल्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी. नाउ हेयर वी कैन रिप्लेस कैपिटल वाई बाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल एक्स बाई स्मॉल एक्स प्लस 2. सो दिस इज माइनस ऑफ एल एन मॉड वाई एंड दिस इज वाई अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी. अब हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं बाई मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट दैट द कर्व पासिस थ्रू 1, 3. जैसे ही हम इस कर्व को 1, 3 से पास कराएंगे तो y की वैल्यू 3 है, x 1 है, तो ये कैंसल आउट होकर 1 हो जाएगा और ये 3 है तो दिस इज माइनस एल एन 3. सो द वैल्यू ऑफ c इज माइनस 1 माइनस एल एन 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट. नाउ यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ एल एन मॉड y equals y upon x plus 2 माइनस 1 माइनस एल एन 3. तो ये अपन बोल सकते हैं कि कर्व है और यहां पे x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है. नेक्स्ट हम लोगों से ऑप्शन वाइज पूछा जा रहा है कि y इक्वल टू x प्लस 2 पे, ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है कि y इक्वल टू x प्लस 2 पे, y इक्वल टू x प्लस 2 को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो या 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं विद द कर्व y इक्वल टू x प्लस 2. एंड वेन वी विल सॉल्व विथ y इक्वल टू x प्लस 2, दिस इज माइनस एल एन मॉड y, दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, दैट इज गोइंग टू बी 1, 1 माइनस 1 इज गॉन एंड दिस इज माइनस एल एन 3. सो फ्रॉम हियर y इज प्लस माइनस 3, बट सिंस x इज ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू माइनस 3 विल गिव x इक्वल टू माइनस 5, सो दिस विल बी रिजेक्टेड. So we can see ki y equal to 3 when you will put x equal to 1. So the point of intersection with the curve x plus 2 is 1, 3. So option A will be correct, whereas option B is correct. Now we have to check two more options, that is C and D. In C it is given that this is intersecting with y equal to x plus 2 ka whole square. So for that we can solve this equation again with y equal to x plus 2 ka whole square. For option C, when we will solve this with y equal to x plus 2 whole square, this is going to be minus 2
ln x plus 2, and this is equal to x plus 2 minus 1 minus ln 3. So we can rearrange this as x plus 2 plus 2 ln x plus 2 equals 1 plus ln 3. Clearly we can see this side is increasing function for x positive, because this differentiation will be 1 upon x plus 2, this will be 1, this will be 1 upon x plus 2, and for x positive this side is always greater than 0, the derivative is greater than 0. So I can say ki this function is going to be always increasing. So the minimum value, or we can say ki this expression will be always greater than 2 plus 2 ln 2, this side LHS, because this is the value at 0. So we can say ki this is always greater than 2 plus ln 2, and this equation requires the value of x for which this is 1 plus ln 3. So we can say no intersection. So option C will be wrong. Now for option D, we can see we have to check for y equal to x plus 3 whole square. Again, we can put x plus 3 whole square as there, as minus of ln x plus 3 whole square equals x plus 3 whole square upon x plus 2 minus 1 minus ln 3. We are taking all these terms on the left hand side, and this will give us ln, these on the right hand side, and this will give us x plus 3 whole square upon x plus 2 first term. This will be now plus, so this will be ln x plus 3 whole square upon 3, and this is nothing but equal to 1. Now we can see this side is always greater than 1, because for x positive this quantity will be always greater than x plus 2, so this is greater than 1, and this is a positive quantity. So we can say here LHS is greater than 1, so this will imply no intersection. Hence we can say, conclude, the correct answer will be A